भरतपुर में आवासहीन जनसंघर्ष समिति के तत्वाधान में अपनी मांगों को लेकर शहर के बिजली घर चौराहे से कुम्हेर गेट तक रैली निकाली गई। रैली में आवासहीन लोगों ने राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के विरोध में नारे लगाते हुए वादा खिलाफी का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने किरायेदारी नहीं चलेगी, ये महंगाई नहीं चलेगी, डॉक्टर सुभाष गर्ग मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। इस मौके पर कामरेड नत्थीलाल ने नगर निगम के मुख्य द्वार पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आवासहीनों को लगातार संघर्ष करने की तैयारी करनी होगी। उन्होंने राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब से डॉक्टर सुभाष गर्ग विधायक बने हैं तब से भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। नगर निगम यूआईटी मेडिकल सहित सभी विभागों में मनमानी चल रही है। ये रैली कहां से निकली है और क्यों निकाली जा रही है? ये कुम्हेर गेट के चौराहे से निकली है और यहीं तक लाए हैं। और गर्ग साहब हमारे मंत्री जी वो हमसे 2.5 साल से आश्वासन देते आ रहे थे। इन्होंने हमसे ये कहा था कि भाई इनको जमीन की व्यवस्था कराऊंगा, इनकी समस्या वास्तव में वाजिब है। और अब उन्होंने हमारी प्रशासन से नेगोशिएशन करा के उसके बाद में इति श्री कर दी। तो हमें खाली नेगोशिएशन का शौक नहीं, हम चाहते हैं जमीन, हमारा मुद्दा है। अब वो मुद्दा नहीं दिलाएंगे तो हम तो बीच में सड़क पर आएंगे यार, जो बंद कर दो, हमें जेल में जगह तो दोगे? हमें तो रहने को जगह चाहिए। अगर हमें बंद करोगे हमारा कुछ भी जो होगा उसको भी फेस करेंगे, हम तो जेल में रह लेंगे, कम से कम जमीन तो मिलेगी। ये आज बड़े बड़े विप्र महासभा को 10,000 मीटर जमीन दे रहा है, प्रजापतियों को दे रहा है, है? लेकिन हमारे संगठन को जो इसने 2.5 साल पहले इसने प्रॉमिस किया था आज तक जमीन नहीं दी है। और हमने उसको ये भी कह दिया कि नॉमिनल जो भी हो उसको दिला दो, लेकिन नहीं है। तो ये इस तरह की हरकत कर रहा है, आज सरेआम इसका करप्शन चल रहा है नगर निगम में, यूआईटी में, पुलिस डिपार्टमेंट में, मेडिकल डिपार्टमेंट में, सारे डिपार्टमेंट में। ये गर्ग है ना, ये पूरा दलाली करा रहा है और इसने एजेंट भेज रखे। हम इसकी खाल उधेड़ेंगे और इसके खिलाफ संघर्ष आज से शुरू होगा।